ladies and gentlemen, we'd like to call upon someone who has a personal connect with most of you. When it comes to marketing, when it comes to telling the story of the Capital Smart City and the Lahore Smart City, he's done a stellar job. And I think it is the sheer hard work put in by him and his team that we today see it to be the success it is. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming the Director of Sales and Marketing of the Capital Smart City and the Lahore Smart City, Mr. Mujeeb Ahmed Khan. Bismillahir Rahmanir Rahim. Thank you very much for having me here. Thank you to Zahid Saab, our chairman, to be part of this balloting event, our group CEO, Aslam Malik Saab. Project ke bare mein aap sunte rehte hain, hamari team se, Aslam Malik Saab jo brief kar rahe hain, hamari technical team jo hai, wo brief kar rahi hai. प्रोग्रेस के बारे में हमारी टेक्निकल टीम्स जो हैं वो आपको बता रही होती हैं. अभी सुरबाना की टीम है, वो हमारी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में आपको बता रही थी, और मैं मोस्टली आपको सेल्स के बारे में कोशिश करता हूँ कि बताऊँ कि कैसे करें हम सेल्स. आपसे सीखता हूँ, फिर आपको सिखाता हूँ. बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए. देयर वॉज अ कोट जिसको मैं पढ़ रहा था, वो थी कि फर्स्ट दे इग्नोर यू, देन दे लाफ एट यू, देन दे फाइट विद यू, एंड देन यू विन. इस कोट को सुनाने का मकसद क्या था कि जब हमने इस जो चेयरमैन है हमारे जाहिद साहब, उनके विजन को, स्मार्ट सिटी के विजन को लेके आगे चले, तो पहले लोगों को समझाना मुश्किल हो जाता था कि स्मार्ट सिटी क्या है. हमारे बहुत से चाहने वाले थे जो हमारी बातों पे यकीन भी करते थे, और बहुत सारे लोग थे जो पहले हमारी बात नहीं सुनते थे, जिसमें हमारे मैं वेल विशर कहता हूँ हमेशा. जो हमारे लोग हमारे अगेंस्ट होते हैं, बेसिकली आपके वेल विशर होते हैं, बिकॉज दे ऑलवेज मोटिवेट यू कि आप ग्रो करें एक स्ट्रेंथ और करेज के साथ. तो हमें पहले बताने में मुश्किल होती, फिर समझाने में मुश्किल होती, और आज ये दिन है कि आपको हर चीज़, अब चाहे उनको पता है या नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट स्मार्ट ज़रूर लगाना शुरू कर दिया उन्होंने. तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर वो हमें अच्छे तरीके से कॉपी कर लेंगे तो ना सिर्फ इस इंडस्ट्री के लिए बेहतर होगा बल्कि पाकिस्तान के लिए भी बेहतर होगा. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये समझता हूँ कि जो स्मार्ट सिटी है, इस स्मार्ट सिटी ने ना सिर्फ हमारा जो लिविंग का जो स्टैंडर्ड है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको रेवोल्यूशनाइज किया, बल्कि उसको इंटायरली 180 डिग्रीज पे चेंज किया. आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा जो डिलीवरीज हैं वो टाइम से पहले हो रही हैं. अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से हमारा ये चौथा शायद बैलेटिंग का इवेंट है. आज पोजेशन का, ओवरसीज़ प्राइम का भी अनाउंस हुआ, आने वाले दिनों में दूसरे पोजेशन अनाउंस होंगे. लाहौर स्मार्ट सिटी के आप सेक्टर ए और बी 6 जून से इसकी इंशाल्लाह एलोकेशन स्टार्ट हो जाएगी. तो ये बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर चले, और वो कॉन्सेप्ट था डिलीवरी का कॉन्सेप्ट, लोगों को जो चीज़ बेचें वो दें. दूसरा कॉन्सेप्ट ओवर सेलिंग हम बिल्कुल ना करें. प्रोजेक्ट के बारे में, अपने विजन के बारे में, इस प्रोजेक्ट के विजन के बारे में हमेशा बात होती है, लेकिन आज सारे जो इधर लोग बैठे हैं, ऑल्दो मेरी हमेशा सब लोग रिक्वेस्ट करते रहे कि हमें टीम ज़्यादा है, ज़्यादा लोग चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी जगह कम थी तो हम नहीं बुला सकते थे. लेकिन मैं आज आप लोगों के बारे में बात करना चाहता हूँ. वो ये बात है कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं, इनमें से कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो 2018 से पहले रियल स्टेट के अंदर कोई बहुत बड़ा नाम रखता हो. कोई है बंदा जो बहुत बड़ा नाम रखता था? मुझे ये बताएं, आज इस हॉल के अंदर कितने लोग हैं जो डेवलपर्स हैं वो कहते हैं कि हमारे साथ काम करें? बताएं मुझे कितने लोग हैं. आज हमारी फ्रंट रोज़
पीछे की रोज़ हर रोज़ के अंदर देखें तो इस सारे के सारे लोग इनकी आप लोगों की लाइफ जो है, ना सिर्फ कैपिटल स्मार्ट सिटी ने आपकी लाइफ बदली है, बल्कि इससे पहले थोड़ी देर पहले मेरी किसी से डिस्कशन हो रही थी कि 2018 से पहले जो डीलर का लफ्ज़ है वो बड़ा बुरा समझा जाता था, तो जब हमने इसको सेल्स पार्टनर किया तो लोगों ने कहा कि सेल्स पार्टनर क्या होता है, उनको समझाया। आज हम माशाल्लाह हमारे साथ जो डीलर हैं वो ना सिर्फ सेल्स के अंदर अपना सानी नहीं रखते बल्कि अब वो डेवलपर्स बनना शुरू हो गए हैं। और यही जो हमारे चेयरमैन उनका विजन है कि लेट्स ग्रो टुगेदर, मिल के काम करें, सब मिल के अर्न करें और ये बेनिफिट सिर्फ अपने हद तक ना रखें, हमारे जो क्लाइंट्स हैं उन तक भी पहुंचाएं और अच्छे तरीके से काम करें। मैं कल एक वाक्या पढ़ा था, बल्कि वाक्या नहीं एक चीज़ थी कि शेर जो है उसको जंगल का बादशाह क्यों कहा जाता है, वो ये क्यों जंगल का बादशाह है, तो उसमें बयान था कि उसकी लंबाई की वजह से तो नहीं कहा जाता या उसकी स्ट्रेंथ की वजह से नहीं कहा जाता। अगर लंबाई देखी जाए तो जिराफ़ जो है उसकी लंबाई सबसे बड़ी है, अगर आप हाथी को देखें तो शायद वो वज़न में सबसे अच्छा होगा, आप चीते को देखें तो वो भागने में सबसे तेज़ है, अगर लोमड़ी को देखें तो चालाकी में सबसे तेज़ है, लेकिन शेर ही जंगल का बादशाह क्यों है? सिर्फ दो रीज़न हैं उसके अंदर, वो उसकी करेज है और दूसरा उसकी स्ट्रेंथ है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज कह सकता हूँ कि हमारे अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर, हमारी मैनेजमेंट के अंदर, हमारी टीम के अंदर और हमारे सेल्स पार्टनर के अंदर करेज भी है और स्ट्रेंथ भी है अचीव करने की। और इंशाल्लाह ताला हम इस प्रोजेक्ट को, इससे मुंसलिक जितने प्रोजेक्ट हैं, स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट, इस्लामाबाद है, लाहौर है, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आपको बड़े बड़े सरप्राइजेस देंगे और शहरों के जहाँ हम जाएंगे, तो आज ये अंतक मेहनत है एज अ टीम ये अंतक मेहनत है कि हम एक ब्रांड बन के आज जुड़े हुए हैं। और आज अल्लाह के शुक्र है कि हर शख्स जो है वो चाहता है कि वो हमारे प्रोजेक्ट्स के साथ काम करें। जो कामयाबी है वो भी कभी परमानेंट नहीं होती, जो नाकामी है वो भी कभी परमानेंट नहीं होती, सिर्फ जो परमानेंट आपको चीज़ रखनी है वो आपकी करेज है, वो आपकी मोटिवेशन है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो आज स्टेज पे आएंगे और वो मेरे ख़्याल से आप सब लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन होनी चाहिए और आपको उन सब के बारे में ज़रूर देखना चाहिए कि वो लोगों ने, उन लोगों ने कैसे ग्रो किया। और एट द एंड मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप जो भी करें, जिस तरह भी करें, लेकिन एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि हमेशा अल्लाह के हजूर हमेशा आजिज़ रहें। अल्लाह आपको जितनी भी तरक्कियाँ दें अपनी आजिज़ी को कभी मत छोड़िएगा। और मौके से फ़ायदा उठाते हुए ये भी बताता चलूँ कि सिलिकॉन वैली जो है वो भी आने वाला है, उसके लिए भी तैयार रहें, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है। और इंशाल्लाह इस कॉन्सेप्ट को जब हम आपको पूरा ब्रीफ देंगे तो आपको पता चलेगा कि इट इज़ वन ऑफ अ काइंड प्रोजेक्ट। और इस तरह के आइडियाज़ जो है वो शायद हमें ही करेज है जिसको आगे लेके चलें, जैसे फ़र्स्ट टाइम हम वन कैपिटल के कॉन्सेप्ट को आगे लेके चले और जिस तरह लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोगों का एतमाद, आप लोगों का ट्रस्ट हम पे बरकरार रहा तो इंशाल्लाह हम सरप्राइजेस भी देंगे आपको और हम इकट्ठे इंशाल्लाह ग्रो भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।